नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने प्रीवियस वीडियोस में जो जो कवर किया है वो आप जाकर के हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इससे पहले आज की क्लास हम शुरू करते हैं, तो उससे पहले आपको बताते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से TGT और PGT के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक कवर किया है वो कवर किया गया है एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जैकोबियन एज, ये हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्यूरिटन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं प्यूरिटन एज में। तो देखिए दोस्तों, प्यूरिटन एज की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1600 टू 1660, यानी 1600 से लगा करके 1660 तक प्यूरिटन एज को माना जाता है। इसी एज के अंतर्गत आ जाता है कॉमनवेल्थ एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। तो यहां पर दोनों कवर होने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो वर्ड आता है प्यूरिटन एज में, प्यूरिटन आता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हु वर प्यूरिटन्स, यानी प्यूरिटन्स कौन थे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है कि प्यूरिटन्स कैल्विनिस्ट, तो यानी प्यूरिटन्स को ही कैल्विनिस्ट भी कहा जाता था। तो देखिए, दीज पीपल वॉन्टेड कंप्लीट रिफॉर्मेशन इन चर्च, यानी ये लोग जो थे, जो प्यूरिटन लोग थे, ये चर्च में पूर्ण रूप से सुधार चाहते थे। दे वर कॉल्ड कैल्विनिस्ट, वे कैल्विनिस्ट कहलाते थे, बिकॉज दे वर द फॉलोअर्स ऑफ कैल्विन, क्योंकि वो फॉलोवर थे कैल्विन के, यानी कैल्विन के वो फॉलोवर थे, यानी कैल्विन को फॉलो करते थे, इसलिए उनका नाम जो है कैल्विन के नाम के ऊपर पड़ गया है, कैल्विनिस्ट। दीज पीपल वर ऑलवेज अगेंस्ट किंग चार्ल्स वन, यानी किंग चार्ल्स वन के वो हमेशा अगेंस्ट में रहे, क्योंकि किंग चार्ल्स वन की अगर हम बात करेंगे तो किंग चार्ल्स वन जो है वो पार्लियामेंट की बिल्कुल भी नहीं सुनता था, चर्च के हमेशा अगेंस्ट रहता था, और इसी वजह से उसको जो है बीहेडेड कर दिया गया था। आगे चल करके आपको बताएंगे। तो देखिए, ये तो हमने जान लिया है कि जो प्यूरिटन्स थे वो कौन थे। तो प्यूरिटन वो लोग थे जो चर्च में कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहते थे, यानी चर्च में पूरी तरह से वो सुधार चाहते थे, और वो हमेशा किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट रहते थे, और उनको कैल्विनिस्ट भी कहा जाता था क्योंकि वो कैल्विन के फॉलोवर थे। तो ये हमने जान लिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे किंग चार्ल्स वन की। तो किंग चार्ल्स वन जो गद्दी पर बैठे थे वो 1625 में बैठे थे। उसके बाद फिर सिविल वार आरंभ हो जाता है दोस्तों, 1642 में सिविल वार आरंभ हो जाता है। सिविल वार से मतलब क्या है कि यही युद्ध जो है वो सिविल वार बन जाता है, यानी जो किंग चार्ल्स हैं ये पार्लियामेंट की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं, अपनी ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, यानी वो हमेशा ही पार्लियामेंट के अगेंस्ट जाते हैं, और चर्च के बड़े अधिकारियों को भी वो फॉलो नहीं करते हैं, यानी वो चर्च के भी अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग जो चर्च के मानने वाले हैं वो प्यूरिटन हैं, और वो जो है वो इसी वजह से उनके खिलाफ चले जाते हैं, चार्ल्स वन के खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि वो उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स वन को जब वो बहुत ज़्यादा उनको इग्नोर कर रहा था, एक उसने जो है पार्लियामेंट को भंग भी कर दिया था, तो इस वजह से जो प्यूरिटन्स थे वो बहुत ज़्यादा खपा रहने लगे। पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य थे, पूरा पार्लियामेंट उनके खिलाफ हो गया किंग चार्ल्स वन के। उसके बाद कमेटी का गठन होता है, और कमेटी के गठन में जो हेड बनाए जाते हैं, और वहाँ पर वो जो है चार्ल्स वन के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, यानी चार्ल्स वन के खिलाफ एक्शन बहुत बड़ा ले लिया गया, यानी ये डिसाइड कर लिया गया कि चार्ल्स वन को बीहेडेड कर दिया जाएगा। तो 1649 में दोस्तों चार्ल्स वन को बीहेडेड कर दिया गया था, यानी चार्ल्स वन का सिर काट दिया गया था दोस्तों 1649 में। अब चार्ल्स वन जब जेल में थे, यानी इससे पहले उनको जेल में डाला गया था, तो उन्होंने दोस्तों एक बुक लिखा था, आई कनो बेसी लाइक।
आइकनो बेसी लाइक जब उन्होंने लिखा था, यानी उसमें इन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, यानी उन्होंने बताया था कि जो मुझे मतलब बिहेडेड किया जा रहा है वो सही नहीं है, यानी उन्होंने अपनी सफाई जो है इस आइकनो बेसी लाइक में दी थी। इस आइकनो बेसी लाइक के खिलाफ जो है जॉन मिल्टन, जो हमारे इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं, उन्होंने आइकनो बेसी लाइक का कटाक्ष किया था, यानी आइकनो क्लास्ट उन्होंने लिखा था। आइकनो क्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज के को गलत साबित कर देना, ठीक है। तो आइकनो बेसी लाइक जो बुक थी, यानी जो किंग चार्ल्स वन ने अपनी अपनी मौत के पक्ष में लिखा था, मतलब तो उसकी बात को काट दिया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो उसको आइकनो क्लास्ट कहा जाता है। वैसे जो हमारे आइकनो क्लास्ट जो राइटर माने जाते हैं वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थिएटर्स वर क्लोज्ड, यानी जब सिविल वार आरंभ हो गया था 1642 में, तो यहीं से सिविल वार में जो है थिएटर्स जो है वो एकदम से क्लोज कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जो चर्च के ये प्यूरिटन्स थे ये नहीं चाहते थे कि ड्रामा स्टेज पर हो, तो इन्होंने थिएटर को बंद कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्यूरिटन एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं वो जॉन मिल्टन माने जाते हैं। तो जॉन मिल्टन बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत बड़े जॉन मिल्टन पोएट हैं। तो जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से जाना जाता था जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इनका नाम यूनिवर्सिटी में लेडी ऑफ क्रिस्ट पड़ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा फेस जो था लड़कियों की तरह था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ब्यूटीफुल फेस इनका था, और इनके बाल जो है बड़े लंबे थे, कानों के ऊपर से ऐसे पड़े रहते थे, मतलब वो एक लेडी की तरह दिखते थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उनका नाम रख दिया था लेडी ऑफ क्रिस्ट। तो उनका नाम पड़ गया था लेडी ऑफ क्रिस्ट। उनका विवाद हो गया था, यानी उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जो उनका पीरियड माना जाता है वो होल्टन पीरियड माना जाता है, क्योंकि वो होल्टन चले गए थे, और होल्टन में दोस्तों ये पीरियड उनका 7 ईयर्स का रहता है, यानी यहाँ पर ये होल्टन पीरियड में इन्होंने 7 ईयर्स बिताए थे, 7 साल बिताए थे। और होल्टन पीरियड में जो इनकी राइटिंग जाती है, तो इनकी जो राइटिंग जाती है उनमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखा है वो यहाँ पर लिखा है। देखिए, एल एलिग्रो 1631 में उन्होंने लिखा था, इल पेंसे रसो उन्होंने 1631 में लिखा था, और ये दोनों पोएम्स हैं दोस्तों, ये दोनों पोएम्स कहलाती हैं कंपेनियन पोएम्स, यानी ये दोनों एक साथ लिखी गई हैं। देखिए 1631, तो ये कंपेनियन पोएम कहलाती हैं, एल एलिग्रो इल पेंसे रसो। उसके बाद उन्होंने 1634 में लिखा है कॉमर्स, जो एक मास्क है। 1637 में उन्होंने लाइसिडस एक एलिजी लिखी है, जो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मौत पर लिखी है, यानी उनकी दोस्ती हुई थी, उनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, और एडवर्ड किंग की मौत पर उन्होंने ये एलिजी लिखी है लाइसिडस। तो लाइसिडस के बारे में कहा गया है, लाइसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। तो दोस्तों ये वाला जो कथन है ये किसने कहा है, तो लाइसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ये कहने वाले हैं टेनिशन। तो ये कहा है टेनिशन ने। आगे हम बात करेंगे, द नेम लाइसिडस इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो लाइसिडस नाम लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों थियोक्रिटस, थियोक्रिटस आइडियल्स, थियोक्रिटस आइडियल्स से लिया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जॉन मिल्टन जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे पार्लियामेंट के, आपको बता ही दिया है मैंने कि ये जो है पार्लियामेंट के सपोर्टर रहे हैं। द टेन्योर ऑफ किंग्स, ये उन्होंने बुक लिखी थी दोस्तों आइकनोक्लास्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे किंग चार्ल्स वन हैं, चार्ल्स वन ने अपने पक्ष में जो बुक लिखी थी आइकनो बेसी लाइक,
तो उस आइकनो बेसी लाइक को काटते हुए यानी पार्लियामेंट का पक्ष लेते हुए और उनकी मौत को सही करार देते हुए उन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स लिखा था 1649 में। अब हम उनके और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करेंगे। उनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क माना जाता है पैराडाइज लोस्ट। तो देखिए दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा काव्य है, यानी ये एक एपिक है पैराडाइज लोस्ट, और बहुत ज़्यादा फेमस उनका माना जाता है। तो पैराडाइज लोस्ट जो उन्होंने लिखा था वो 1667 में उन्होंने लिखा था, और जब ये दोस्तों पहली बार पब्लिश किया गया था तो इसके अंदर 10 बुक्स थी, और जब ये सेकंड एडिशन में आया था यानी सेकंड बार इसको दूसरी बार जो है पब्लिश किया गया था तब इसके अंदर 12 बुक्स हो गई थी, यानी पहले 10 किताबों में पब्लिश हुआ था, उसके बाद ये 12 किताबों में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों इसको जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्ज में लिखा है, ब्लैंक वर्ज में उन्होंने लिखा है, लूसीफर या सैटन, या सैतान भी बोल सकते हैं आप इसे, सैटन या लूसीफर इन इस एपिक के पैराडाइज लोस्ट के चीफ रिबेल हैं, यानी मुख्य विद्रोही माने जाते हैं लूसीफर सैटन। दोस्तों ऑफ एजुकेशन उन्होंने लिखा था 1644 में, ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने लिखा था वो 1644 में लिखा था, और ये जैसा नाम से ही पता चलता है ऑफ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन के रिगार्डिंग था, अबाउट इंग्लैंड्स एजुकेशन सिस्टम फॉर रिफॉर्मेशन, यानी इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये ऑफ एजुकेशन पोएम लिखा था। यानी उन्होंने इस पोएम में बताया था कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहिए, टीचर को क्या क्या उसे पढ़ाना चाहिए, एक पूरा एक सिस्टम के बारे में बताती हुई एक पोएम है जो उन्होंने 1644 में लिखी थी। उसके बाद उनका इम्पोर्टेंट वर्क है एरियोपेजिटिका, एरियोपेजिटिका उन्होंने 1644 में लिखा था, और ये लिखा था उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, क्योंकि उस समय जो है लाइसेंसिंग एक्ट लगा हुआ था, तो लाइसेंसिंग एक्ट ये था कि बिना लाइसेंस के कोई भी बुक पब्लिश नहीं हो सकती थी, तो इस वजह से जो राइटर्स थे, जो पोएट थे, उनको फ्रीडम नहीं था लिखने का। तो मिल्टन चाहते थे कि राइटर को या पोएट को लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एरियोपेजिटी का लिखा था। दोस्तों वो लिखना चाहते थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वो लिखना चाहते थे, उनकी ये इनकम्प्लीट रह गई थी, और यहाँ पर उन्होंने केवल लिखा था एंग्लो सैक्सन पीरियड से एंग्लो नॉर्मन पीरियड तक उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा था, यानी ये उनकी इनकम्प्लीट बुक है, इनकम्प्लीट वर्क है उनका। अब उनके और इम्पोर्टेंट कोट्स को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी बिना जाने, यानी मिल्टन को पता ही नहीं था कि वो डेविल्स पार्टी के थे। तो ये कथन जो है ये किसने कहा था मिल्टन के बारे में, ये कहने वाले थे विलियम ब्लेक। तो ये कहा गया था विलियम ब्लेक के द्वारा कहा गया था दोस्तों, विलियम ब्लेक। मिल्टन इज द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये कहा गया था टेनिसन के द्वारा कहा गया था, ये कहने वाले थे टेनिशन। तो टेनिशन ने उन्हें कहा था ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे प्यूरिटन एज के, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम अगली एज में जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और पढ़ते रहें हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।